कैस्टम ने इस बार निवेशकों को काफी अच्छा मुनाफा कमाने का मौका दिया है। जिन निवेशकों को पिछले साल कमाने का मौका नहीं मिला था, इस बार उनको कैस्टर अच्छा मुनाफा कमवाता नजर आया है। दरअसल पिछले साल कैस्टर का भाव क्रैश हो गया था और यह 3400 से 3500 रुपए तक चला गया था। इस वजह से किसानों ने कैस्टर की बजाय दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट कर लिया, जिसकी वजह से इस बार कैस्टर की बुआई के आंकड़े काफी कमजोर बताए जा रहे हैं। कैस्टर की बुआई में इस बार काफी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे इसके उत्पादन में भी गिरावट रह सकती है। आपको बता दें, 2020-21 में कैस्टर का रकबा लगभग 15% घट सकता है, यानी कि इसके रकबे में लगभग 6.3 लाख हेक्टेयर की कमी देखने को मिल सकती है। रकबा और उत्पादन घटने के साथ साथ कैस्टर की निर्यात मांग भी अच्छी देखने को मिल रही है, जिससे कैस्टर की कीमतों को एक सपोर्ट है। हमने अगस्त के महीने में कैस्टर की कीमतों को 6700 के भी पार जाते हुए देखा था, लेकिन फिर वहां से एक मुनाफा वसूली बनती नजर आई थी वायदा बाजारों के अंदर। दरअसल गुजरात, जो कि कैस्टर का मुख्य उत्पादक राज्य भी है, वहां मॉनसून के फिर से सक्रिय होने से बारिश हुई और किसान कैस्टर की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे कैस्टर की कीमतों पर कुछ असर देखने को मिला है। लेकिन ये असर इतना भी नहीं होगा कि कैस्टर का बाजार एकदम से गिरता हुआ नजर आ जाए। वहीं बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक अभी भी कैस्टर की कीमतों में बढ़त की उम्मीद है। कैस्टर की कीमतें अगस्त में 6700 के पार कारोबार करती नजर आई थी, उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली और लेवल्स 5800 तक भी जाते नजर आए थे। अगर एक हफ्ते से 10 दिन का आउटलुक लें तो उनके मुताबिक कैस्टर में 5900 से 6350 तक का एक सीमित दायरा देखने को मिल सकता है। जब तक कैस्टर की कीमतें 5800 के ऊपर हैं, कैस्टर में खरीदारी करके चला जा सकता है। अमित सजेजा के मुताबिक जब कैस्टर की बुआई और उत्पादन के आंकड़े कुछ साफ हो जाएंगे और बारिश का सिलसिला थमेगा और कैस्टर में बढ़त देखने को मिलेगी और कीमतें ऊपर में 6800 से लेकर 7000 तक जाती हुई नजर आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।